सेना के विवाद में एक शोभा यात्रा निकाली जा रही थी जिस पर पथराव किया गया। उसके बाद जो है तनाव का माहौल वहां पर पैदा हो गया और पत्थरबाजी इतनी ज्यादा हुई कि कुछ लोग घायल हो गए। वहीं वहां पर जो मौके पे गाड़ियां मौजूद थी उस पर भी आग लगाई गई, जिसके बाद जम्मू में हरियाणा की इस घटना को लेकर गुस्सा जो है वो फूटा है। जिहाद का पुतला भी जलाया जा रहा है। इनका कहना है कि सरकार जो है उसको अब एक्शन करना चाहिए, क्योंकि लगातार जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं, इनके तरफ से कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से जो है निशाना बनाया गया। कुछ आज का जो प्रदर्शन है इस्लामिक जिहाद को खत्म करना है, और जिस प्रकार ये सोची समझी योजना के तहत हमारे सनातन धर्म और कांवड़ियों पर हमला हुआ है, आतंकवाद का यह हमला की हम घोर निंदा करते हैं और केंद्र सरकार से हम मांग करते हैं इनको फांसी दी जाए। उनका सम्मान होना चाहिए, अपमान होना चाहिए। ये योजनाबद्ध तरीके से ये हादसा हुआ है और भारत के अमन को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। सर, आपको लगता है कि सरकार की विफलता है यहाँ पर, सरकार संभाल नहीं? अब सरकार की तो ये तो राजनीतिक स्टंट होते हैं, किसकी विफलता है किसकी विफलता नहीं है, जिसने किया है उसको फांसी चाहिए। जैसे नारे लगे हैं इस जुलूस के खिलाफ, भारत विरोधी और इस्लाम के हक में, ऐसा लग रहा है जैसे इस्लाम का मूल उद्देश्य भारत का विरोध करना बन गया है। इस तरह की जो योजना है उसको संपूर्ण रूप से एलिमिनेट करना बहुत जरूरी है, और आज इसके विरोध में पूरे भारतवर्ष में विश्व हिंदू परिषद के द्वारा हर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। पूरा भारत मेवात और नूह के लोगों के साथ खड़ा है, सभी तीर्थयात्रियों के साथ खड़ा है। जय श्री राम, जय श्री राम। उस क्षेत्र में सालाना ब्रज मंडल तीर्थ यात्रा निकलती है जिसमें 20 से 25,000 हिंदू श्रद्धालु शामिल होते हैं। योजनाबद्ध तरीके से वहां के मुसलमानों के द्वारा उस यात्रा पर अटैक करके तीर्थ यात्रियों का कत्लेआम करने की ये साजिश थी। कुछ तीर्थ यात्रियों की अलर्टनेस की वजह से वो साजिश पूरी तरह से कामयाब नहीं हो सकी। बहुत सारे लोग जख्मी हुए हैं, सीधा सीधा तीर्थयात्रियों पर गोलियां चलाई गई हैं, सीधा सीधा उनके वाहनों में आग लगी है, सीधा सीधा वो वाहन तोड़े गए हैं, और 10-20 लोग थे ऐसा समझ में आया कि वो हथियार छोड़ करके, हथियार थे ही नहीं या मौके से भाग गए, और ये एक फ्री फॉर ऑल सिचुएशन 5-6-7 घंटे के लिए उन उपद्रवियों को, मुस्लिम दंगाइयों को दी गई। प्रशासन में ऐसी कौन सी काली भेड़े हैं जिन्होंने ये असेसमेंट कि यहाँ पर दंगा हो सकता है टाइम से सरकार के पास नहीं पहुँचाई, या सरकार की मंशा क्या थी, ये भी सर्वविदित होना चाहिए। और पूरा भारतवर्ष आज तीर्थयात्रियों के साथ खड़ा है। इस वक्त पूरे भारत के हर जिले में विश्व हिंदू परिषद के द्वारा व्यापक प्रदर्शन किए जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि उन सभी दंगाइयों के ऊपर बड़ी सख्त और त्वरित कार्रवाई हो, शॉर्ट टर्म में उसका एक्शन रिएक्शन हो, जिससे कि जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनको सजा मिले। जी आप कुछ बताइए, आप क्या समझते हैं हरियाणा सरकार की विफलता है, हरियाणा सरकार विफल हो गई इस काम में? हरियाणा सरकार की विफलता है, मैं बिल्कुल खुले मन से ये कह रहा हूँ। हरियाणा सरकार को जब योजनाबद्ध तरीके से अटैक हो रहा है, जब आज न्यूज बता रही है फेसबुक पे सरेआम चल रहा था हम आगे से अटैक करेंगे, दूसरा कह रहा हम पीछे से अटैक करेंगे, जिहादियों को, इस्लामिक कट्टरवादियों को इकट्ठा किया जा रहा है, और उसके बाद कहा जा रहा है कि आप आओ किसी, तो ये एक सीधा सीधा जब सोशल मीडिया पे भी आ गया है, तब भी अगर वो सरकार का तंत्र जो है या पुलिस का तंत्र जागता नहीं तो इसका मतलब वो विफलता ही है। हरियाणा में बीजेपी जेजेपी की सरकार है, और आज जो डिप्टी सीएम है हरियाणा के, उन्होंने कहा है कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जिम्मेदार है। देखिए वो डिप्टी सीएम क्या कह रहा है, ना मैंने सुना है ना उस पर मैं टिप्पणी करता हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि विश्व हिंदू परिषद के 25,000 तीर्थयात्रियों के ऊपर इस्लामिक जिहादियों ने हमला किया है, शरेआम हमला है, वीडियोज है, और उसके बाद तीर्थ यात्रा के लिए जब कोई जाता है वो कोई गोलियां बंदूक के साथ नहीं ले जाता, गोलियां बंदूक के उन्होंने निकाली है। क्या लगता है बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को इसका संज्ञान लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए।
चाहिए, बीजेपी के भी संगीत नेतृत्व को उसका संज्ञान लेना चाहिए, हरियाणा के प्रशासन को संज्ञान लेना होगा। मुझे ऐसे लग रहा है कि हरियाणा के प्रशासन में कोई काली बेड़े हैं जिन्होंने सरकार के नेतृत्व को इस घटना की आशंका जाहिर नहीं की, जिन्होंने ये जाहिर नहीं किया कि वहाँ हथियार इकट्ठे किए जा रहे हैं, जिन्होंने ये जाहिर नहीं किया कि इस तरह से प्लानिंग चल रही है कि जुलूस को चारों दिशाओं से घेर करके उस पर अटैक किया जाए, तो यह प्रशासन की सबसे बड़ी विफलता है। जम्मू से एक आवाज बुलंद हुई है कि जो भी व्यक्ति इसमें आरोपी पाया गया है उसको जो है सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि दोबारा इस तरह की घटना जो है वो देश में कहीं पर भी देखने को ना मिले। आप ये वार्ता देखते हैं।